हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लगातार जीवन में भागम भाग है, लगातार व्यस्तता है, लगातार तनाव है, टेंशन है और कई तरह की मानसिक उलझनें हैं। कई सारे लोग लगातार मानसिक उलझनों के चलते हुए भी खुश रह जाते हैं और कई सारे लोग लगातार खुशियों के माहौल में भी अपने आप को खुश नहीं रख पाते। सारी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हैं फिर भी उनकी मानसिक स्थितियों में खुशी नहीं रहती, वह लगातार निराश में ही डूबे रहते हैं। जिस तरह हम लोग तनाव में होते हैं उसी तरह खुश रहना भी हमारे दिमाग की एक स्थिति है। जीवन में चाहे कोई सी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें लगातार खुश रहने की आदत बनाना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों का जो मन है वह विचारों का समुंदर है। इसमें कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन यह हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे मन में जितने भी हजारों विचार आते हैं उनमें अधिकतर विचार हैं वो नेगेटिव होते हैं। कुछ ही विचार हैं जो पॉजिटिव होते हैं। हमें अच्छे से अच्छे और पॉजिटिव विचार डेवलप करने की हैबिट को लाना चाहिए। पॉजिटिव माइंड आपके ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करता है, क्योंकि जीवन की भागम भाग में हैप्पी रहना बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव रहना और हैप्पी थिंकिंग के लिए लगातार हमें हैबिट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना हमारे जीवन के हर पहलू को रिफ्लेक्ट करता है। पॉजिटिव रहना हमारी हर चीज़ को इंस्टेंट बेनिफिट भी देता है। हमारी सोशल लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ हो, हर स्तर पर हमें इफेक्ट करती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन को और शरीर को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए कई मामलों में बेनिफिट्स देती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा एनर्जी ज़्यादा डेवलप होती है, हम ज़्यादा अच्छे से अपने कामों को परफॉर्म कर पाते हैं, वह भी बिना थके बिना रुके। हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर है वह भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहने पर हमारे शरीर में जो छोटी मोटी परिस्थितियों बस दिक्कतें होती हैं, मौसम के बदलाव होते हैं, चोट लगती है, खरोंचें लगती हैं, बस स्वतः ही ठीक होती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रहने से हमारी जो इम्यूनिटी है वह भी बिल्डअप रहती है। पॉजिटिव रहने वाले लोग अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए लगातार शरीर निरोग रहेगा। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा, माइंड स्ट्रांग रहेगा, वर्क कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा इम्यूनिटी रहने से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां हैं वह हमेशा के लिए दूर रहती हैं। जो पॉजिटिव थिंकर हैं, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वह अपने जीवन के जो भी गोल्स हैं, जो भी उनके एम्स हैं, थीम्स हैं, उसको वो अच्छे से पा लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी रहती है, वह मेंटली फिजिकली हेल्दी रहते हैं, वह किसी भी तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। इससे वह अपने काम के लिए परफेक्ट रहते हैं और जो वो काम, जो वो गोल अडॉप्ट करते हैं वो उसको जल्दी पाते हैं। ऐसे लोग अच्छे से अपने काम के लीडर होते हैं, वह अपनी फील्ड को लीड करते हैं। लगातार पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे शरीर में इस तरह के हार्मोन्स बनते हैं, क्रियाएं होती हैं कि हमारे शरीर में थकान नहीं होती, हमारे शरीर में दर्द नहीं होता, हमारे शरीर में आलस नहीं होता, हम लगातार एनर्जेटिकली वर्क करते हैं। इसलिए लगातार पॉजिटिव रहें, जिससे लगातार आपका ब्रेन और माइंड और शरीर अच्छे से अपने काम को कर पाए। जैसे जैसे शरीर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ता है, हमारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बैक होती जाती है। हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। परिस्थितियां किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम उन परिस्थितियों को भी अच्छे से सरल कर लेते हैं। हमें समस्याएं सुलझती हुई नज़र आती हैं। हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें हम अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, अच्छे से इन परिस्थितियों को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लोगों के अक्सर फैमिलियर रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। उनमें कई तरह की जो फैमिली रिलेशन हैं या सोशल रिलेशन हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वह अपने रिश्तों को अच्छे से निभा पाते हैं।
कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे लोगों का दिमाग भी काफ़ी तेज चलता है। वो जिस काम को लेके आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के सहारे वह उस कार्य को पूरा भी परफेक्ट कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बीमारियां हैं वह ऐसे लोगों से दूर रहती हैं। एक रिसर्च के अनुसार ऐसे लोग हार्ट की बीमारियों से भी बचे रहते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारियाँ लगभग 70% कम होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं। अधिकतर लोग एक रिसर्च के हिसाब से कम 8 साल की उम्र पॉजिटिव थिंकिंग के लगातार अपनाने की वजह से पूरे जीवन में यह पा लेते हैं, मतलब वो 8 साल लंबा जीवन जीते हैं। एक रिसर्च के अनुसार लगभग आधे से ज़्यादा लोग नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं। एक एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 60 साल से ऊपर वाले लोग यंग और नए बच्चों के मुकाबले सबसे कम तनाव जीवन व्यतीत करते हैं और सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली वह अपने जीवन को जीते हैं। अगर कोई लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है तो उसके शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स है, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वह अच्छी रहती है और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे बॉडी में जो पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन हैं, एस्ट्रोजन हैं, कोर्टिसोल है, मेलाटोनिन है या डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं, इनके लेवल को भी मेंटेन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसको भी हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड उसको एक्टिवेट करती है और इन सारे हार्मोन्स के लिए रेगुलेट करने में हेल्प करती है। दोस्तों अगर हम बिना तनाव के अपने जीवन को निकालते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखते हैं, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करते हैं तो हमारे लिए अपना जीवन सरल महसूस होता है। हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए लगातार प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। हमारे लिए योगा भी पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ज़रूरी है। योगा कोई भी हो, मेडिटेशन भी हो, आपके लिए लगातार एनर्जी के ये सोर्स होते हैं। इनके द्वारा आप लगातार एनर्जेटिक रहेंगे। हमारी डाइट बैलेंस हो, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन्स का अच्छा समावेश हो, साफ पानी हो, तो हम लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी बॉडी की जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको बरकरार रखेंगे। मित्रों वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मित्रों लगातार आप हमसे अभी तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत